जो लोग आपको किसी भी पशु पक्षी को खाना डालने से रोकते हैं, आप उनको बता सकते हैं कि अंडर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी अगेंस्ट एनिमल्स एक्ट, इंडियन पीनल कोड IPC धारा सेक्शन 11 के तहत उन पर बहुत सारी धाराएं लग सकती हैं। एनिमल को खाना देने से रोकने वाले को तंग करने के लिए और एनिमल को भी तंग करने के लिए उन पर धाराएं लग सकती हैं, जैसे कि 428, 429, 503, 504 एंड 379 दिल्ली पुलिस एक्ट के तहत और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। ये आपको पता होना चाहिए, आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन राइट का भी पता होना चाहिए। अंडर आर्टिकल 15AG आप अगर अपने एनवायरनमेंट के ट्री, बर्ड्स, एनिमल्स, वाटर बॉडीज़, इनका ध्यान रखते हैं एनवायरनमेंट का, तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और ये ऐसा करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। बल्कि पेड़ के काटने वाले को सज़ा मिलनी चाहिए, एनिमल को मारने वाले को सज़ा मिलनी चाहिए, और जो आप खाना पीना दे रहे हैं, आपका कोई वाटर बाउल तोड़ रहा है, कोई फूड बाउल तोड़ रहा है, तो उसके अगेंस्ट सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उसके लिए आप उस बंदे की फ़ोटो वीडियो बनाएं और तुरंत आप हमें कॉन्टैक्ट करें या मैं आपको डिटेल्स बताती हूँ। आप वहाँ कंप्लेन करें, मेनका गांधी को, PFA को, AWBI को, संस्थाओं को कॉल करें, व्हाट्सएप करें, ईमेल करें और उन्हें समझाएं कि जो वो कर रहे हैं वो गलत है। एक एग्जांपल सेट होएगा। कोशिश करें कि आप एग्रेसिव ना होएं, क्योंकि उसका बदला वो उस जानवर से ही लेंगे जब वो वहाँ पे नहीं है, जब आप वहाँ पे नहीं हैं उसको बचाने के लिए या खाना खिलाने के लिए। कोशिश किया कीजिए आप ऐसे लोगों को इग्नोर करें, उनको आराम से समझाएं, अवेयर कराएं, एजुकेट कराएं। देखिए अगर उनकी आत्मा जगी हुई है तो वो आपको कुछ बोलेंगे नहीं, बल्कि आपके साथ मदद करेंगे, आपसे इंस्पायर होंगे। अगर उनकी आत्मा सोई हुई है तो हो सकता है जग जाए आपके समझाने से, आपके बताने से। और अगर मरी हुई है तो कुछ नहीं कर सकते, फिर तो एग्जाम्पल ही सेट करना पड़ेगा।